यूं तो लखनऊ से कई कलाकार, गायक और अभिनेता बड़े मुकाम तक पहुंचे हैं, लेकिन कुछ कलाकार ऐसे भी हैं जो अपनी छवि दर्शकों के दिल में बसा जाते हैं। उन्हीं में से एक हैं लखनऊ के छोटे नवाब या फिर हेडफोन नवाब तन्मय चतुर्वेदी। कहते हैं कि सफलता रात भर में नहीं मिलती, उसके लिए आवश्यकता है कठोर परिश्रम और निरंतरता की। इसके लिए धैर्य रखें। इस कहावत को छोटे नवाब तन्मय चतुर्वेदी बाखूबी समझते हैं। वह एक सिंगिंग रियलिटी शो का हिस्सा है जहां वह टॉप 10 पर पहुंच चुके हैं। गायकी के बारे में तन्मय कहते हैं कि वह लखनऊ से हैं और उन्हें ठुमरी, सूफी, जेनर सुनना बेहद पसंद है। वहीं दूसरी तरफ वह बताते हैं कि रियलिटी शो का हिस्सा बनने के बाद उन्हें यह पता चला है कि हर विधा में गायकी आनी चाहिए, इसलिए वह हर विधा में हाथ आजमाना चाहते हैं। लखनऊ के बारे में तन्मय कहते हैं कि लखनऊ तो मेरी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है, यहाँ तक कि शो में भी मेरा नाम पहले लखनऊ के छोटे नवाब था और अब लखनऊ के हेडफोन नवाब है। यहाँ तक कि अनाउंसमेंट में भी लखनऊ का जिक्र आता है ही है। ऐसे में लखनऊ को मिस करना जायज है। बढ़िया बढ़िया पीनी है, पीनी पीनी है, देख लो दाली मुर्तिया, जीनी जीनी है, जीनी जीनी है, हमको पीनी है, पीनी है, हमको पीनी है, हमको पीनी है, पीनी है, हमको पीनी। हाँ देखिए, जैसा बोला पहले मैं छोटे नवाब था, अभी हेडफोन नवाब हो गया हूँ, तो सबसे पहला अंतर तो यही है। 10-11 सालों बाद शिफ्ट आया हूँ सारे गाँव में और अब सीख के 11 साल सीखने के बाद, तो अब थोड़ा सा मतलब गायकी पे थोड़ा सीख फोकस किया है वही, और शैतान में तब भी था, शैतान में अभी, लेकिन तब मैं थोड़ा ज़्यादा शैतान था। आपका फेवरेट जॉनर? ऐसे मेरा फेवरेट जॉनर है कि इंग्लिश सूफी और तबानी है, क्योंकि लखनऊ घराने का शेर इधर से अच्छे लगे और लखनऊ घराना इज नोन फॉर सूफी एंड कबाडी, तो ये थोड़ा सा अटैच है मेरे। किसी भी आप चाहे रियलिटी शो की बात करें या और किसी भी चीज़ में, किसी भी चीज़ में जाए थोड़ा बहुत अप्स एंड डाउन थोड़ा बहुत मेहनत लगनी रहती है, और अप्स एंड डाउन नहीं होंगे तो मज़ा नहीं आए। कई बार ऐसा होता है मेरे परफॉर्मेंसेज बहुत अच्छे होते हैं, फिर अगले एपिसोड में पूरा साल हो जाता है, तो वो सिर्फ इसलिए होता है कि मैं आने वाले समय में और मेहनत करता हूँ, लेकिन बी माई प्रेजेंट फैमिली के बिना, उनकी मोटिवेशन के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। जब मेरा बुरा भी होता है उनका कॉल आता है, मेरे पापा मुझे लखनऊ से कॉल करते हैं, कहते हैं मैं अच्छा कहना, कोई चिंता नहीं अगले बार कर सकता, तो ये मोटिवेशन बात कर सकते इस समय पर जो मोटिवेशन चाहिए। देखिए ऐसे तो बहुत बिजी शेड्यूल है, बात जब भी होती है क्रिएटिव से या हमारी जब भी किसी भी स्टोरी रिलेटेड बात होती है, डेफिनेटली वहाँ लखनऊ का टॉपिक जरूर आता है और मुझसे बात जरूर करता तो, और मैं वहाँ कहा भी यही जा रहा हूँ, वहाँ पर फाइनली जब अनाउंसमेंट होता है मेरे बारे में तो ये बोला जाता है लखनऊ के हेडफोन नाम हमारे, तो कहीं ना कहीं वो लखनऊ नाम मेरे आज का होता है। लखनऊ की शान बढ़ा रहे और अपने गीतों से लखनऊ का मान भी बढ़ा रहे तन्मय चतुर्वेदी हमारे साथ है, जिन्होंने बताया कि वो लखनऊ और अपनी फैमिली से कितने जुड़े हैं। ये दीजिए आशीष।